नमस्कार, शुभ सायकाल दोस्तों। फिनलैंडाइजेशन, इस टर्म को समझाने से पहले, जिसे कि कहा जा रहा है कि यूक्रेन और रशिया के मध्य वार का एक बहुत सटीक और सरल तरीका उसे सुलझाने का है, लेकिन इस टर्म से पहले पहले फिनलैंड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फिनलैंड नॉर्डिक कंट्री है जो कि नॉर्दर्न यूरोप में स्थापित है और लगभग सभी इंडेक्सेस में ये कंट्री, जो कि सकारात्मक इंडेक्सेस हैं, नकारात्मक इंडेक्सेस की बात नहीं कर रहा, कि वॉर क्राइम और इन सब के इंडेक्स की बात करेंगे तो फिनलैंड हमेशा नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ वॉर क्राइम और ऐसी जो आपराधिक गतिविधियां कम होती हैं, यहाँ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं बहुत ज्यादा बेहतर हैं, बहुत ज्यादा ही मजबूत हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स ले लीजिए, या फिर कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स देख लीजिए, या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स देख लीजिए, सारे ही इंडेक्स में ये कंट्री टॉप पे आती है। तो एक तरीका फिनलैंड ने अपनाया, कब अपनाया उसकी भी चर्चा करूंगा, और क्या प्रभाव पड़ा उसकी भी चर्चा करूंगा, किसके लिए है सभी बातों की चर्चा करूंगा। नाम है मेरा ऋषि सुधांशु पांडे। चलिए चलते हैं बात पे। उससे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो ईद का आज का दिन, सभी मेरे भाइयों और बहनों को ईद मुबारक, साथ ही साथ परशुराम जयंती की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आपके पास ऑफर्स हैं 60% ऑफ और एक्स्ट्रा 25% ऑफ के साथ आप कंप्लीट मोटिवेशन कोर्स ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं फाउंडेशन कोर्स की बात करूं तो वो भी आपको कंसेशन वाली रेट पे मिल रहा है। चलिए अब चलते हैं अपने न्यूज पे। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है वर्तमान समय में, उन्होंने कोल्ड वॉर एरा का टर्म है फिनलैंडाइजेशन, जिसको वापस से उभार के लाए हैं, और उन्होंने बताया है कि फिनलैंडाइजेशन, जो कि मॉस्को और यूक्रेन के मध्य वॉर का एक बहुत ही सरल और सुलभ उदाहरण हो सकता है, कि जिससे कि सॉल्व किया जा सकता है इश्यूज को, वन ऑफ द मॉडल्स ऑन द टेबल, कि इस तरीके से भी इन दो देशों के मध्य जो युद्ध है उसको सॉल्व करने की बात चल रही है, डिफ्यूजन टेंशन विद रशिया। अब एक्चुअली फिनलैंडाइजेशन क्या है? फिनलैंडाइजेशन रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ स्ट्रिक्ट न्यूट्रैलिटी। देखिए, टर्म जो है स्ट्रिक्ट तरीके से, बहुत ही कड़े तरीके से तटस्थ हो जाना, उदासीन हो जाना बिटवीन मॉस्को एंड द वेस्ट, यानी पश्चिमी राज्यों, पश्चिमी जो देश थे, चाहे उसमें यूएस हो और पश्चिमी यूरोप के बहुत सारे देश थे, और मॉस्को यानी रशिया, उस समय यूएसएसआर, कोल्ड वॉर एरा के समय फिनलैंड ने एक नीति अपनाई थी जिसके अंतर्गत उसने रशिया यानी यूएसएसआर और जो वेस्ट था, जिसे कि नाटो कंट्रीज भी कहा जाता है उस समय, और आज भी नाटो के बारे में मैंने पिछला लेक्चर जो बनाया था उसमें एशियन नाटो के भी कुछ टर्म्स यूज ली थी, तो उन दोनों ही पक्षों के मध्य पूर्ण रूप से बहुत कड़ी न्यूट्रैलिटी यानी उदासीनता को फॉलो किया था। किस समय? कोल्ड वॉर एरा के समय पे। द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रैलिटी वॉज रूटेड इन द एग्रीमेंट ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंट। इसे कहा जाता है YYA ट्रीटी। इसे फिनिश में, इसका उच्चारण थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैंने कोशिश की है इसको ढूंढ के निकालने के लिए किस तरीके से उच्चारित किया जाता है। सुनिए, इस्ताविस, ये है इस्ताविस, ये है हेतिस्तियो या हेतिस्तियो या, और एव्यूनांतोसो पिमस, ये इसका उच्चारण है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है तो मुझे माफी दीजिएगा। ये YYA ट्रीटी, जिसे फिनिश में इस तरीके से लिखा जाता है, उसका तात्पर्य इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया, फ्रेंडशिप है, कोऑपरेशन है, म्यूचुअल असिस्टेंस है, दैट फिनलैंड साइंड विद द यूएसएसआर इन अप्रैल 1948, 1948 के समय यूएसएसआर ने के साथ फिनलैंड ने जो ट्रीटी साइन की थी उसका परिणाम था। इस ट्रीटी का आर्टिकल 1 जो है, पहला आर्टिकल हमेशा किसी भी विषय के बारे में प्रीएम्बल या फिर परिभाषाओं को प्रदर्शित करता है, किसी भी कानून के अंतर्गत इसी तरीके की गतिविधि अपनाई जाती है। आर्टिकल 1 कहता है, इन द इवेंचुअलिटी ऑफ फिनलैंड और द सोवियत यूनियन थ्रू फिनिश टेरिटरी, यानी फिनलैंड की जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत, बिकमिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ एन आर्म्ड अटैक बाय जर्मनी और एनी स्टेट allied with the latter, meaning essentially the United States, Finland will, true to its obligation as an independent state, fight to repeal the attack. कहने का मतलब है कि USSR पर Finland की धरती से कोई attack नहीं होगा, अगर होता है तो Finland उसका समाधान करेगा, Finland की जिम्मेदारी है कि Soviet Union पर Finland की territory से कोई भी किसी भी तरीके की सैन्य गतिविधि नहीं होनी चाहिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या कहता है? द 1948 ट्रीटी फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ हेलसिंकी मॉस्को रिलेशन अंटिल 1992, जब यूएसएसआर का पूर्ण रूप से पतन हो गया और
कई सेंट्रल एशियन कंट्रीज या फिर जो सराउंडिंग कंट्रीज थी वो बनी और रशिया का निर्माण हुआ। तब तक ये ट्रीटी चली है, तो आप ये देख लीजिए लगभग 44 साल ये ट्रीटी चली। व्हेन फिनलैंड साइंड अ न्यू एग्रीमेंट विद पोस्ट सोवियत रशिया, उस समय फिनलैंड ने रशिया के साथ ये ट्रीटी साइन की। इट ले एट द हार्ट ऑफ फिनलैंड्स फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन, एस्पेशली व्हेन जुहो कुस्ती पासकिवी 1946 से 1956 तक जो वहां स्थापित रहे, और उरो केको नेन जो 1956 से 1982 तक वहां के प्रेसिडेंट रहे, जिन्हें की इज नोन इन इंटरनेशनल रिलेशंस स्टडीज एज पासकिवी केके नोन लाइन। इन दोनों ने ही इस सिद्धांत का बहुत अच्छे तरीके से पालन किया, जिसे कि फिनलैंडाइजेशन कहा गया, कि भाई फिनलैंड स्ट्रिक्ट न्यूट्रैलिटी कि मैं किसी भी पक्ष के साथ नहीं। जैसे अगर हम भारतवर्ष के संदर्भ में बात करें तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जैसे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन भी कहा गया, उसी के अनुरूप फिनलैंड ने भी अपनी एक नीति स्थापित करके रखी कि मैं भी, मेरा देश भी किसी भी तरीके से किसी भी पक्ष के साथ में नहीं जुड़ेगा, ना ही किसी अन्य के विरुद्ध में कोई कार्य करेगा। अब आपको मैं थोड़ी ज्योग्राफी भी क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ये कुछ फेवरेट एरियाज में हमेशा से यूपीएससी के होता था। ये है फिनलैंड, तो आप देख लीजिए फिनलैंड पूरी रूप से डायरेक्टली यूएसएसआर से कनेक्शन में है। ये रशिया, वर्तमान समय का रशिया है। एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, ये है बाल्टिक सी जिसके कनेक्शन में ये सारी ही कंट्री है। पोलैंड भी यहां पे, और रशिया का कुछ भाग जो सामान्यतः हम भूल जाते हैं कि रशिया का कुछ भाग यहां पर भी है जो डायरेक्टली कनेक्शन में है किसके, बाल्टिक सी से। बेलारूस को आप देखिए कि बेलारूस का कोई कांटेक्ट नहीं है बाल्टिक सी से। जर्मनी और डेनमार्क दोनों ही बाल्टिक सी से जुड़े हुए हैं। यहां ये आपकी कंट्री है स्वीडन, और यहां ये आपकी कंट्री है नॉर्वे। गल्फ ऑफ बोथनिया जो है वो फिनलैंड और स्वीडन को जोड़ती है, अलग अलग रखती है। बोथियन बे भी इनके मध्य संपर्क का स्थान है। यहीं पे गल्फ ऑफ फिनलैंड भी है जो एस्टोनिया, फिनलैंड और रशिया के मध्य जो संबंध है वो स्थापित करती है। तो ये ज्योग्राफी है, इस ज्योग्राफी को भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना होगा। नॉर्वे से जस्ट ऊपर है नॉर्वेजियन सी, और यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कौन सा सी है, क्योंकि ये रिलेशन कराता है, यहाँ इस जगह लगभग है आपका ग्रेट ब्रिटेन या जैसे यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है। इस जर्मनी के नीचे यहाँ आपकी फ्रांस की टेरिटरी आती है। तो ये आपका बेसिक नॉर्दर्न यूरोप का एक मोटा मोटी जो मैप है वो है, और आपने देख ही लिया कि रशिया का क्या किस तरीके से फिनलैंड से सीधा सीधा संबंध है। जर्मनी फिनलैंड की भूमि पे लेके रशिया पे कोई अटैक नहीं करेगा, ये फिनलैंडाइजेशन था। अब अगर अपन बात करें फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फिनलैंड हुज कैपिटल हेलसिंकी इज सिचुएटेड जस्ट अक्रॉस द गल्फ ऑफ फिनलैंड फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग, तो आप ये देखिए गौर से, यहां मैंने आपको ये दिखाया कि ये है आपका कैपिटल ऑफ फिनलैंड, ये यहां स्थापित है गल्फ ऑफ फिनलैंड से। तो जर्मनी के जो शिप्स थे इस तरीके से इस मूवमेंट करके यहां रशिया पे अटैक करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, क्योंकि यहां पे क्या है सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रशिया का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, जो कभी वहां कैपिटल भी रहा था, जिसे लेनिन गार्ड भी कहा जाता है। द ट्रीटी प्रोटेक्टेड इट फ्रॉम बींग अटैक्ड और इनकॉर्पोरेटेड into the USSR like the Baltic and Eastern Europe states. Ab, it allowed the country to pursue the path of democracy, capitalism while staying out of the conflict between the great powers. Isi ka parinam hai, isi sandhi, isi treaty ka parinam hai ki us desh ne apni vikas se sambandhi gatividhiyon pe dhyan diya और स्वयं इतने मजबूत तरीके स्थापित हुआ कि आज उसे किसी और की जरूरत नहीं है, बल्कि बाकी जो अदर कंट्रीज है वो वहां जाके अपने जीवन को अच्छे रूप से देखना चाहती है, सीखना चाहती है कि भाई हर इंडेक्स में उतना ऊपर कैसे जाता है। तो वहां डेमोक्रेसी भी बढ़ी, कैपिटलिज्म भी बढ़ा, और वो इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर हुआ। जब भी आप वॉर और कॉन्फ्लिक्ट से दूर होते हैं तो आप तरक्की की ओर बढ़ते हैं। ये सामान्य जीवन में भी बात है, जब आप तरक्की पे बढ़ रहे हैं तो आपको इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। अगर आप वॉर जैसी गतिविधियों, लड़ाइयों में रहेंगे तो आप कभी भी तरक्की नहीं पा पाएंगे। एक चीज और खास बात है कि फिनलैंड डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्या था? द पोस्ट वॉर यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम नेम्ड आफ्टर प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज सी मार्शल, जिन्होंने कहा कि विच प्रमोटेड द आइडिया ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट एंड कोऑपरेशन बिटवीन द यूएस एंड यूरोप। जब
कोल्ड वॉर थी या पोस्ट वॉर जब हो गया था उसके बाद यूएस ने एक आइडिया दिया, क्यों ना वो देश जो कि कमजोर हो गए हैं, जो आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं रहे हैं, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके विकास के लिए हम एक प्लान लेके आते हैं। ये यूएस का जो थॉट था, जो उनके सेक्रेटरी थे जॉर्ज सी मार्शल, उन्होंने ये आइडिया दिया था, इसीलिए इसे मार्शल प्लान कहा जाता है। तो फिनलैंड ने उसमें भी भागीदारी नहीं की, क्यों? उसका कारण था कि जब भी आप किसी से मदद लेते हैं तो आपको उस मदद का रीपे करना ही होता है। तो उस मदद के रीपे की बजाय फिनलैंड को पता था कि मुझे बहुत कुछ खोना पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने उसकी भागीदारी नहीं की। इट टुक न्यूट्रल पोजीशंस ऑन मैटर्स ऑन विच द सोवियत यूनियन एंड द वेस्ट डिसएग्रीड। जब जब दोनों के मध्य मतभेद था तो या तो इन्होंने एब्सटेन किया या फिर इन्होंने कोई भागीदारी नहीं की कि आप अपने अपने मत अलग अलग तरीके से रखिए। इट स्टेड अलूफ, यानी पृथक रहे, भिन्न रहे फ्रॉम नाटो, मैंने अभी आपको बताई है, एंड यूरोपियन मिलिट्री पावर्स, एंड यूज्ड दिस पोजीशनिंग टू वार्ड ऑफ प्रेशर फ्रॉम मॉस्को टू बिकम पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक और वार्सा पैक्ट। तो ना तो ये कभी नाटो के साथ गए ना ही वार्सा पैक्ट के साथ रहे। तो ये है फिनलैंडाइजेशन। अब यूक्रेन में फिनलैंडाइजेशन कैसे किया जाता है वो बात कर लेते हैं। यूक्रेन जो कि फॉर्मली अ पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन था, ठीक है, हैज इंक्रीजिंगली टिल्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट इकोनॉमिकली पॉलिटिकली वाइल रेजिस्टिंग रशियन इन्फ्लुएंस। जिस तरीके से जब से यूएसएसआर टूटा तो यूक्रेन का निर्माण हुआ और यूक्रेन वेस्ट की तरफ अलाइन हुआ, तो यहां यही कहा गया है। 2008 की भी एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, नाटो ने साफ साफ कहा कि नाटो सेट इट प्लान इवेंचुअली फॉर यूक्रेन टू ज्वाइन द अलायंस। उसने कहा कि हम यूक्रेन को नाटो अलायंस ज्वाइन कराएंगे। एक पॉपुलर आइडिया था विद इन द कंट्री, दो इट वॉज हैज नेवर एक्चुअली अप्लाइड फॉर मेंबरशिप, एंड नाटो ऑफिशियल्स से इट वुड नॉट हैपन एनी टाइम सून। तो अल्टीमेटली फिनलैंडाइजेशन वुड अलाउ मॉस्को अ हैवी हैंड इन यूक्रेनियन अफेयर्स। इट गोज अगेंस्ट वॉट यूक्रेन हैज बीन स्ट्राइविंग फॉर, दैट इज ज्वाइनिंग नाटो एंड द यूएस। फिनलैंडाइजेशन क्या कहता है कि भाई आप यूएस से कोई संपर्क नहीं रखोगे और अल्टीमेटली यूक्रेन जो है वो थोड़ा सा रशिया की तरफ टिल्ट होगा क्योंकि वो नाटो ज्वाइन नहीं करेगा और यूरोपियन यूनियन से थोड़ा सा दूर रहेगा। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि यूक्रेन जो है उसको अपना निर्णय करने का पूरा अधिकार होना चाहिए, फ्री होना चाहिए कि वो अपनी आर्थिक और राजनीतिक एसोसिएशन जिसके साथ भी रखे, भाई वो एक सोवरन कंट्री है, संप्रभु कंट्री है, उसका पूरा अधिकार बनता है कि वो किसके साथ संबंध रखे। यूक्रेन शुड नॉट ज्वाइन नाटो, अ पोजीशन इट टुक 7 years अगो व्हेन इट लास्ट केम अप। नाटो के साथ ज्वाइन करना अभी उसके लिए उचित नहीं है, तो उसे इस चीज से रोक रखनी चाहिए, अब्सेन रखना चाहिए। यूक्रेन शुड बी फ्री टू क्रिएट एनी गवर्नमेंट कंपैटिबल विद द एक्सप्रेस विल ऑफ इट्स पीपल। कहने का मतलब है लोकतंत्र के अनुसार जिस जो भी सरकार चुनी जाती है वो सरकार ही यूक्रेन की संप्रभु सरकार होगी, उसे कार्य करने देना चाहिए। वाइज यूक्रेनियन लीडर्स वुड देन ऑप्ट फॉर पॉलिसी ऑफ रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर कंट्री। तब बनने के बाद लोकतंत्र में जब सरकार बन जाती है तो उस सरकार को अपने सभी जो स्टेक होल्डर्स उनके साथ मिलकर एक संपूर्ण राष्ट्र को निर्माण की प्रयास करनी चाहिए। यूक्रेन और रशिया के युद्ध ने बहुत बड़ी चुनौतियां प्रस्तुत की हैं पूरे विश्व के सामने और ये आने वाले भविष्य की एक रूपरेखा भी तय करता है, क्योंकि आप ये देखिए हर साल कहीं ना कहीं कोई युद्ध या फिर ऐसी त्रासदी हुई है, चाहे 2019-20 में मैं कोरोना ले लूं, उससे पहले अफगानिस्तान, इराक, ईरान या दुनिया भर की समस्याएं रही हैं। तो इन वॉर्स से किसी का भला नहीं होता है, अल्टीमेटली आपको शांति चाहिए ही। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।